अनंतनाग में 3 आतंकी मारे गए हैं जबकि बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। देखिए जम्मू कश्मीर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंक के अड्डे पर जब मंडराया ड्रोन तो जंगल में आतंक का अड्डा धुआं धुआं हो गया। काकरनाग के जंगल में यह है सुरक्षा बलों का फाइनल असॉल्ट। आतंकियों के मान में कमांडो एक्शन के बाद ऐसी खलबली मची कि अब आतंकियों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अनंतनाग के जंगल में पिछले 4 दिनों से मौत से लुका छिपी का खेल खेल रहे दहशतगर्द और उनके ठिकाने नेस्त नाबूद हो रहे हैं, क्योंकि अब आतंकियों पर ड्रोन कहर बनकर टूटा है। जमीन से लेकर आसमान तक जंगल की घेराबंदी और ड्रोन ऑपरेशन का ही नतीजा है कि 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। ड्रोन ने न सिर्फ इन आतंकियों के हाइडआउट्स की निशानदेही की बल्कि उनके अड्डों को पल भर में स्वाहा भी कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कैसे जंगल के ऊपर ड्रोन मंडरा रहा है और आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। अब आतंकियों के लिए न तो छिपने का ठिकाना बचा है और न ही बचने का रास्ता। 2-3 मिलिटन को मार गिराया गया है। फिलहाल ये ड्रोन के विजुअल आप देख सकते हो, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि 3 डेड बॉडी इस जंगल में नजर आ रही है। ये सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। आपको बता दूं कि 4 दिन से ये इनकाउंटर चल रहा है। ये सबसे बड़ा इनकाउंटर साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में हो रहा है। अनंतनाग के काकेरनाग जंगल में सेना की घेराबंदी ऐसी है कि यहां से आतंकियों के लिए बच निकलना नामुमकिन है, क्योंकि देश के शूरवीरों ने आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर रखा है और इन्हें कभी भी ढेर किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक अब भी काकेरनाग के जंगल में 2 आतंकी छिपे हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को नेस्त नाबूद करने के लिए हर तरफ रॉकेट लॉन्चर से गोले बरसाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हेक्साकॉप्टर ड्रोन लगातार इनके छिपे ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इतना ही नहीं, काकेरनाग के जंगल में छिपे आतंकियों को मान से निकालने के लिए और उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए सेना ने अपने कमांडोज को भी उतार दिया है, जो कि सबसे अत्याधुनिक और खतरनाक हथियार काल गुस्ताफ M4 से लैस है, जो छिप कर बैठे आतंकियों पर मौत का बारूद बरसा रहे हैं। देखिए जवान अपने कंधों पर काल गुस्ताफ रॉकेट से किस तरह आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जंगल में छिपे आतंकियों में लश्कर का कमांडर उजैर खान है, जो यहाँ की पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए स्नीफर डॉग की भी मदद ली जा रही है। सेना की बड़ी तैयारी, सब आतंकी मरेंगे बारी बारी। एक तरफ अनंतनाग में छिपे आतंकियों की कब्र खुद रही है तो वहीं बारामूला में आतंक के 3 सफोलों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। ये आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। LOC के पास उरी सेक्टर में 3 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। इनमें से 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे आतंकी का शव पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से हुई गोलीबारी की वजह से बरामद नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, बारामूला में आतंकियों के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है, जिसमें 5 किलो RDX, AK-47 और AK-74 के अलावा मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और चाइनीज पिस्टल भी बरामद हुए हैं। भारतीय सेना के मुताबिक बारामूला में आतंकी बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, आतंकियों की मदद पाकिस्तान की सेना भी कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हमें ये इंटेलिजेंस आ रही थी कि पाकिस्तान की तंजीमें यहां उड़ी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहते और उनका मुद्दा था यहां पे इन्फिल्ट्रेशन करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति बहाल हो रखी है उसको और बारामूला उड़ी तहसील के अंदर कोई खलबली करना, किसी ID के तहत कोई एक बड़ा धमाका करना और एक टेररिस्ट ग्रुप को इन्फिल्ट्रेट करके यहां पीस को डिस्टेबलाइज करना। अनंतनाग हो या बारामूला या फिर राजौरी, आतंकियों की यह करतूत बता रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंक आखिरी सांस ले रहा है और जब आतंक की लौ पूछती है तब इसी तरह से आतंकी बिलबिलाते हैं। लेकिन हिंद के शूरवीरों ने भी ठान लिया है, जब तक एक एक आतंकी को चुन चुन कर जहन्नुम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक सांस नहीं लेंगे।